नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ को निर्मल जिला बनाने पर मंथन, कलेक्टर ने ली बैठक, स्वच्छता को लेकर दिए कई टिप्स। बेटियों को मिले गार्गी और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, प्रफुल्लित हुए अभिभावक। पानी चोरी के खिलाफ अभियान पर उठे सवाल, किसानों ने लगाया मनमानी का आरोप। सांसद व विधायक ने लिया रेलवे स्टेशन का जायजा, निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ को निर्मल जिला बनाने की मशक्कत चल रही है। जिला कलेक्टर पीसी किशन इन दिनों जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस बाबत प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर सभागार में हुई मीटिंग में अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को भी पहल करने की बात कही। गांव को स्वच्छ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर या खुले में शौच के लिए ना जाए। इसके लिए जरूरी है कि निवास परिसर में शौचालय का निर्माण। जिला कलेक्टर पीसी किशन इस बात को बखूबी जानते हैं और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों सहित अफसरों को भी बार बार समझाते हैं कि आखिर गांव में शुरू से आ रही इस परंपरा को खत्म करें। जिला कलेक्ट्रेट में हुई मीटिंग में भी उन्होंने इस बात पर खास फोकस किया। एक परफॉर्मा देकर उन्होंने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से पूछा कि वे खुद तय करें कि उनके गाँव में क्या है। बाल श्रम को कलंक बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव का बच्चा मजदूरी करता है तो वह संबंधित परिवार नहीं बल्कि गांव और गांव के वासिंदों के लिए शर्म की बात है। सरकार बच्चों की निःशुल्क शिक्षा पर अरबों खर्च कर रही है, लेकिन हम उन बच्चों को स्कूल भेजने की जहमत नहीं उठाते। आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार? कलेक्टर के इतना कहते ही कलेक्ट्रेट सभागार में सन्नाटा पसर गया। कलेक्टर ने कहा कि गांव को साफ सुथरा रखना ग्रामीणों की ड्यूटी है, इस संबंध में बाहर वालों से उम्मीद करना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि गांव वालों को समझाइए कि वे अपने आवास परिसर में शौचालय का निर्माण करवाएं। इसके लिए उन परिवारों में जाकर समझाने की जरूरत है जिस परिवार का मुखिया शराब में घर और अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा है। कलेक्टर ने कहा कि 2 माह दारू बंद तो एक शौचालय का निर्माण संभव है। उनके इतना कहते ही सभागार में हंसी फूट पड़ी। जितना ज्यादा नीचे तक पहुंचाए, और इसका पहले ऐसा है, अपना घर में जो टॉयलेट हुआ करता था अपना गांव में, वो सेप्टिक वाला था, उसको चेंज करके यही वाला बनवाया गया है। अपना घर में मतलब सुंदरगढ़ जिला, अपना गांव में जो चीज है इसको अभी हम चेंज किए। तो जितना इवन सरकारी कर्मचारी भी ये चेंज करके ये वाला टॉयलेट में आए। अभी सबसे ज्यादा इकोनॉमी है, ग्रीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन इसका पहला डेमोंस्ट्रेशन होना जरूरी है। मतलब पहले आप भी कंप्लीट ना हो, पहले आप कंप्लीट होना चाहिए। तो पहला टॉयलेट हम कहाँ एक बनाएंगे, तो ये बनाना जो है ना आप भी सीखना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आप सब में से कोई कोई आपने मिस्त्री बन करना चाहिए। हाँ, मिस्त्री बन जाना चाहिए। और आपने इसका टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा गांव तक सबका घर तक पहुंचा सकती। और खर्चा के 5,000 रुपया, यहाँ जितना लोग दारू पीते हैं, दारू पीना ही बंद कर दे तो 5 महीना में आपका टॉयलेट बना दे, है ना? 5 महीना क्या, शायद 2 महीने में बन जाए। शौचालय निर्माण के लिए माणुका गांव को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए कलेक्टर ने कहा कि वे खुद माणुका जाकर स्थिति देखेंगे। उन्होंने प्रस्तावित शौचालय के तकनीकों को लेकर विस्तार से बताया। माणुका से कोई आया है? तो आपका पंचायत को पहला हम ट्रेनिंग सेंटर बना देंगे, वहां मैं भी जाऊंगा। एक टॉयलेट, यही वाला टॉयलेट वहां बनाएंगे। पहले आस पास का 5 बस को भी इकट्ठा कर लेंगे, उनका भी ट्रेनिंग हो जाए। उसके बाद ऐसे करके 10 पंचायत में हम पूरा एक एक टॉयलेट अच्छा बनाएंगे। छोटी पंचायत से पहले पहले बना के ओडीएफ यूसी को करेंगे। हनुमानगढ़ जिले की 13 बेटियों को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार और 1,007 बेटियों को गार्गी पुरस्कार से नवाजा गया। जिला स्तरीय पुरस्कार में उत्साह के बीच इन बेटियों को पुरस्कृत किया गया। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ति भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमान
छोटा सा छोटी सी आशा। जी हाँ, इस खूबसूरत गीत को बखूबी परिलक्षित कर रही थी ये बेटियाँ। जिले की 1020 बेटियों ने न सिर्फ अपने माता पिता, स्कूल, गुरुजनों, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। 1007 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से नवाजा गया, तो 13 बेटियों ने हासिल किए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और भारी भरकम राशि हासिल कर बेटियां फूली नहीं समा रही थी। उनके चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल इससे बड़ी बात और हो भी क्या सकती है। खास बात है कि दर्शक दीर्घा में बैठी अन्य बेटियों ने जैसे बैठे बैठे ही सपने बुनने शुरू कर दिए। सपने इस बात को लेकर कि अगले साल वह भी गार्गी अथवा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की पात्रता को पूरा करेंगी। खूब मन लगाकर मेहनत करेंगी और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह पंक्ति उन्हें बखूबी याद है। जब मन लगाकर पढ़ेंगी तो कामयाबी भी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जब स्काई चैनल ने पुरस्कृत बेटियों से बात की तो उनके बुलंद हौसले इस बात के प्रतीक थे कि उन्होंने पुरस्कार हासिल करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए परीक्षा की तैयारी की, और आज सरकार ने उन्हें 1,00,000 रुपए तक का पुरस्कार दे रही है। कर मिला है अल्पसंख्यक में जिला टॉप करने के लिए। 85.33 टेंथ क्लास में। कितने खुश है? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने ग्रेट स्कूल एन से स्कूल को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, जिनकी वजह से मेरे इतने परसेंटेज बने। और नहीं, पूरे भारत की लड़कियाँ मेरी तरह बने और सभी ये पुरस्कार प्राप्त करे। विद्या भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय 12वीं में 83%। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आज के जमाने में लड़कियां किसी से कम नहीं है और इसी तरह पढ़ाई करती रहे और आगे बढ़ती रहे। हमेशा मीना है और मैं हनुमानगढ़ जंक्शन से हूँ और मैं चिल्ड्रन स्कूल से मैंने क्लास 10th पास की है। मैं 10th में 81.50% बने हैं और मैं चाहती हूँ कि भारत की हर लड़की ऐसे ही है अंक प्राप्त करे और भारत का नाम रोशन करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। मैं 90.83 अंक प्राप्त किया और संगरिया से। नामदेव विद्या निकेतन। कितनी मेहनत की आपने इस पढ़ाई के लिए? ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए ये कोई आसान काम नहीं है, तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि वो भी बहुत मेहनत करके नंबर प्राप्त करें अच्छे अंक प्राप्त किए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। 12th प्रकाश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा से किए और मैं पीलीबंगा से ही हूँ। मैंने 12th में OBC वर्ग में टॉप किया था। मैंने 89.80% प्राप्त किए हैं। कुछ भी करने के लिए जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ती है, तो अब स्टडी में भी कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो 14-15 घंटे तो दिन भर मेहनत करनी ही पड़ती है कुछ भी करने के लिए। अब बाकी लड़कियां जो अभी आएंगी उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी स्टेज होती है, जहाँ से आप कुछ करने के लिए जो मतलब हमें प्रेरणा वगैरह मिलती है, यही सबसे अच्छी स्टेज। अगर हमारे यहाँ अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमें प्रोत्साहन होता है कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। मेरे 12th साइंस में 86% है, इसलिए तो आगे क्या करना चाहिए? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। मैं जब भी पढ़ती थी मैं मन लगा के पढ़ती थी और 2 या 3 घंटे पढ़ती थी। खूब पढ़ो और जब भी पढ़ो अपना मन लगा के पढ़ो, खेलो भी और पूरी मस्ती करो। जिला शैक्षिक अधिकारी रणवीर शर्मा के मुताबिक 10वीं और 12वीं कक्षा में अव्वल छात्राओं को इस तरह के पुरस्कार से नवाजा जाता है। उन्होंने इसकी योग्यता और मिलने वाली राशि के बारे में भी बताया। अंतर्गत 405 बच्चियों को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। इसकी राशि जो है वो कक्षा 11 में 3,000 और कक्षा 12 में अध्ययनरत को अगले वर्ष वो 3,000 रुपये दी जाएगी। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12 की जो 75% से
अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं हैं उनको बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालिका को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र जो है दिया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में विभाग के निर्देशानुसार इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार भी का भी आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत विभाग ने 7 कैटेगरीज बना रखी है, जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष पिछड़ा वर्ग और निःशक्त, तो ये 7 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में जिले में जो अव्वल बालिका है उसको ये इंदिरा प्रियदर्शनी इसमें कक्षा 10 की बच्चियां हैं उनको 75,000 रुपये और कक्षा 12 की जो बच्चियां हैं उनको 1,00,000 रुपये का पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र जो है बालिका फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। खास बात है कि पुरस्कार पाने की होड़ में छात्राओं में पढ़ाई को लेकर रुझान बढ़ा है, यही वजह है कि लड़कियां पढ़ाई में मन लगाने लगी हैं। इसका प्रमाण है कि पिछले वर्षों की तरह पुरस्कार हासिल करने वाले छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार संख्या में वृद्धि हुई है और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि इस ये पुरस्कार गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है ये लंबे अरसे से आ रहा है और इसकी राशि इस बार बढ़ाई गई है। पिछली वर्ष ये राशि 2,000 रुपये थी और इस वर्ष ये राशि जो है 10वीं के लिए 3,000 रुपये और 12वीं वाली बच्चियों की जो है वो 5,000 रुपये राशि जो है वो रखी गई है और इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा ही मिल रहा है। बच्चियां आगे से आगे इसमें संख्या में वृद्धि हो रही है। इस बार जो है गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत 405 बच्चियाँ और बालिका पुरस्कार के अंतर्गत जो है 602 बच्चियाँ जो है इसकी पात्र बालिकाएं हैं। कुल 1,007 बच्चियां जो है इससे लाभान्वित हुई है। भादरा क्षेत्र में पानी चोरी रोकने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया है, लेकिन कुछ किसान इस पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि अभियान की आड़ में माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही बल्कि आम किसानों को परेशान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सिंचाई पानी चोरों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश के चलते स्थानीय प्रशासन ने जिला प्रशासन के सहयोग से भादरा में सिद्धमुख नहर से अवैध रूप से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ शनिवार से प्रारंभ किया अभियान, जहां जारी है वहीं भिरानी, गड़ीछानी व सागड़ा के किसानों ने इसकी आड़ में प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। सोमवार को 5 दर्जन से अधिक पीड़ित किसान भादरा पहुंचे और गांधी पार्क में एक बैठक के बाद प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं करने और मनमानी के खिलाफ न्यायालय में जाने की बात कही है। गड़ीछानी के किसान धर्मपाल ने बताया कि सिंचाई विभाग ने उसकी खातेदारी जमीन में गेहूं की फसल नष्ट कर दी और सिंचाई विभाग द्वारा नहरी सीमा से बाहर भूमि पर बने कुएं ध्वस्त कर दिए गए। झांसल के किसान हवा सिंह ने बताया कि पानी चोरी रोकने के नाम पर प्रशासन ने उसके खेत में बने 2 बिजली के कुएं ध्वस्त कर दिए और सामान उठा कर ले गए। उन्होंने जब इस संबंध में वहां उपस्थित SDM से बात की तो उन्होंने तहसीलदार से मिलने और तहसीलदार ने न्यायालय में जाने की सलाह दी। सागड़ा गांव में सरपंच पति राजेंद्र नैन बताते हैं कि नहरी सीमा से बाहर उसके खेत में बने कुएं और मकान प्रशासन ने JCB से तोड़ दिया और जब उन्होंने आवाज उठाई तो वहां से प्रशासन आगे चला गया। किसान हवा सिंह ने बताया कि 40 से 54 आड़ी तक सिंचाई विभाग ने खातेदारी जमीन में फसल नष्ट कर दी और 200 से अधिक ट्यूबवेलों को नष्ट कर दिया। इससे किसानों में राजस्थान की भाजपा सरकार के प्रति भारी रोष है। किसानों ने वसुंधरा की भाजपा सरकार और क्षेत्र के भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चुनाव में परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। गड़ीछानी के अंदर 5 आंसल में हमारी जमीन पड़ती है और हमारे खाते की जमीन के अंदर हमारी फसल बोई हुई है और कुएं लगाए हुए हैं, तो हमारी जबरदस्ती उन्होंने हमारी फसल भी फाड़ दी ट्रैक्टर चला करके और हमारे कुएं भी फोड़ दिए और मकान जो है वो मकान भी फोड़ दिए। और हमने सिंचाई विभाग के SC साहब को सामने दिखाया था जी कि ये हमारी जमाबंदी के अनुसार ये
किला नंबर हमारे यहाँ है, हमारे अंदर है और इसके अंदर ये हमारी जमीन है, फिर भी वो कहते हैं हम तो जबरदस्ती जमीन लेंगे। चकार जांसलगढ़ी छानी गांव में मेरी जमीन पड़े, गांव का बिल्कुल नज़दीक जमीन पड़े मेरी पुड़ के सारे और नौ किला लंबो खेत है मेरे नहर के सारे सारे। भाई मेरा दो कुआ तो बिजली का नष्ट कर दिया, सामान पाड़ के ले गया, समरसियल ट्यूबवेल दोनों। और भाई हमारे खेत में आ, हालांकि बांगी 110 की बजाय भी भाई 18 पराउंड लग रहा तो ही पाड़ लिया। फिर एसडीएम साहब को मिले, मौके पर आ गया मेरे कने, मैं कहो साहब ये नजायज करने लाग रहे हैं। बोली मेरे समझ से बाहर है, जो बाउंड्री से ले रहे हैं ना ये मेरे से बाहर, आप तहसीलदार से मिलो। मैं पटेड़े के ऊपर तहसीलदार कन गयो, मैडम भी वहाँ ही आ गया एसडीएम साहब। मैं कहो तहसीलदार जी थे काल नापने का, हमारी जमीन तो कौन नापी? तो बोले भाई हमारे पास में इसका कोई इलाज नहीं है, वो ना माने एक्शन साहब नक्शो देने लाग रहे हो। भाई मन पतो लागे खड़ता ही स्थाई है अस्थाई है। तो एसडीएम साहब और तहसीलदार जी दोनों बोले आप कोर्ट में जाइए इस का साकर दिन के खिलाफ। मेरा भी कुआ आया है जो उन्होंने सीमा बता रखी थी, निरोप रखी थी, उससे 15 फुट आगे था और उसने तोड़कर ध्वस्त कर दिया। पड़ोसी के एक मकान झंडे से दूर था, उसका भी मकान तोड़कर ध्वस्त कर दिया। मेरे पास वो वीडियो रील भी बनाई हुई है इस बात की, वो भी मैं चाहूँ तो पेश कर सकता हूँ। नोहा रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का सांसद राम सिंह कस्वा व विधायक अभिषेक मटोरिया ने निरीक्षण किया। नागरिकों द्वारा रेलवे स्टेशन के दोनों ओर प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की गई व अन्य समस्याओं से अवगत करवाया गया। सांसद राम सिंह कस्वा व विधायक अभिषेक मटोरिया ने नोहर रेलवे स्टेशन पर चल रहे अमान परिवर्तन के कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उपस्थित नागरिकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद से नोहर रेलवे स्टेशन के दोनों ओर प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की, जिस पर सांसद ने मौके पर ही रेलवे के DRM व परियोजना के CEO से दूरभाष पर बात की। नंदलाल वर्मा व छोटू सेवक ने सांसद को बताया कि नोहर रेलवे स्टेशन पर एक तरफ ही प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, दूसरी ओर प्लेटफॉर्म का निर्माण न होने के कारण रेल की ऊंचाई अधिक होगी, जिससे यात्रियों को रेल से चढ़ने उतरने समय परेशानी के साथ साथ दुर्घटना होने का भी अंदेशा बना रहेगा। नागरिकों ने बताया कि स्टेशन पर फुटब्रिज व लो लेवल प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। नागरिकों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में समय रहते ही रेलवे के अधिकारियों को अवगत करा दिया था, मगर आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। नागरिकों ने आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ी इस मुख्य मांग का शीघ्र समाधान करवाने की मांग की। सांसद राम सिंह कस्वा ने बताया कि वे इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर शीघ्र ही दिल्ली में रेल मंत्री से मिलेंगे। विधायक अभिषेक मटोरिया ने भी इस संबंध में जयपुर में रेलवे के उच्च अधिकारियों से मिलने की बात कही। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा, शैलेंद्र वर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष वाचस्पति व्यास, श्याम सुंदर खदरिया, ओम खाती, कृष्ण सहारण सहित कस्बे के अनेक नागरिक व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। छोटा बना पल्ले संबंध रहा है, ये बहुत घातक है। मैं इस संबंध में DRM को मंत्री को लेटर लिखा है, मेरी 5 तारीख पार्लियामेंट चल रही है और इस पूरे सिस्टम का इंचार्ज है CEO है सहताराम जो GM ऑफिस में बैठता है, मैं उससे सोमवार को बात करूंगा और पूरी मेरी मान्यता है कि ये बिल्कुल गलत काम किया जा रहा है। ये दोनों की चाय एक जैसी होनी चाहिए और ये गलत है। क्या लगता है समस्या कब तक समाधान हो पाएगा? ये तो इनसे बात करने बाद पता लगेगा, अभी बात हुई नहीं हमारी से। पत्र जरूर लिखे, पत्र कॉपी मैंने पत्रकार को दी है, मैंने जी मंत्री को लिखा है। मैंने कहा 5 को पार्लियामेंट चलेगी, कौन रास्ता जरूर निकलेगा। DRM से जैसे बात है तो बता रहे कि सिर्फ 2 दिनों का टाइम था, उसके बाद नहीं होगा। ये इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये प्लान तो बहुत पहले बनी थी, तो ये तो DRM कह नहीं सकते। मुझे चिन्ह बात मेरी है क्योंकि ये प्लान तो पहले बनी थी और इसका निर्माण अभी हुआ नहीं। चलो ये काम ही तो राजकीय NMPG कॉलेज के छात्रों ने प्राइवेट बस चालकों की मनमानी से थक हार कर आखिरकार मंगलवार को बस स्टैंड टाउन में जाम लगाया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने बस मालिक को बुलाया और वार्ता के बाद विवाद को खत्म किया। दरअसल छात्र इस बात को लेकर आक्रोशित थे कि बस वाले विद्यार्थियों को बीच रास्ते में ही उतार देते हैं। सिटी बस वालों के साथ विद्यार्थियों के विवाद जाहिर थे। काफी अरसे बाद छात्रों का बस संचालकों के साथ विवाद गहरा गया।
राजकीय एनएमपीजी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रोहित स्वामी के नेतृत्व में छात्रों ने चौधरी ट्रेवल्स की बस को चलने नहीं दिया। टाउन बस स्टैंड में जाम लगाकर बैठे छात्र संबंधित बस चालक की आड़ में बाकी बस संचालकों को भी चेतावनी दे रहे थे। उनका कहना था कि बस चालक छात्र और छात्राओं के साथ मनमर्जी करते हैं, अधिक किराए नहीं वसूलते बल्कि बीच रास्ते पर भी उतार देते हैं, इससे विद्यार्थियों को परेशानी होती है। उन्होंने बस स्टैंड में पुलिस की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी की। कई दिनों से विद्यार्थियों के साथ निजी बस संचालक दादागिरी गुंडागर्दी कर रहे हैं और उस गुंडागर्दी की परिणति में ये कहीं भी किसी भी विद्यार्थी को नीचे उतार दिया, गाली गलौज कर ली, उसके जेब में से बटुआ निकाल लिया, उसमें से फालतू पैसे निकाल लिए और अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यथित विद्यार्थी हमारे पास आए, उन्होंने हमें समस्या बताई, हमने इनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा था 94144 94350 भी, आप हमारी को ये समस्याएं बताओ। इन्होंने समस्याएं बताई, हमने नोटिस किया और कल ये जब बड़ी घटना हुई, इन्होंने बस संचालकों ने एक मत होकर इन विद्यार्थियों को नीचे उतार दिया बीच रस्ते में। हमें बड़ी पिंच हुई कि परीक्षाएं चल रही हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, विद्यार्थियों को बीच में उतार रहे हैं, ये कैसी कौन सी दादागिरी है। इसके एवज में ये चौधरी ट्रेवल्स का एक कोई बस संचालक है, इसने ये हरकत की थी। आज हम इस बस को हमने आज इसका टाइम मिस करवाया और भी जो बस संचालक है उनको ये हम आज यहाँ से कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात करने का प्रयास ना करें, नहीं तो विद्यार्थी लामबंद होकर संगठित होकर ईंट से ईंट बजा देगा। संगरिया रूट से हनुमानगढ़ जो बस आती है उनमें संगरिया से कुछ विद्यार्थी हैं और कुछ आसपास के गाँव के विद्यार्थी हैं और वो हनुमानगढ़ गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज के अंदर नियमित रूप से अध्ययन करते हैं और टाइम पे उनको कॉलेज के अंदर पहुँचाया नहीं जाता, रास्ते के बीच रास्ते के अंदर उतार दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, दादागिरी करी जाती है और रास्ते के अंदर उनको उतार दिया जाता है और अवैध रूप से उनके साथ किराया वसूला जाता है। और अगर ऐसा हुआ आज हम सारे छात्र एकता इकट्ठे होके बस धरने पे बैठे हैं, बस वालों को रुकाया है, अगर ऐसा भी हमारे साथ आइंदा से कभी हुआ तो हम 5000 छात्र सड़कों पर उतर आएंगे और तोड़फोड़ होगी, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, जो भी हमसे होगा बसों को रोकेंगे, हड़ताल करेंगे, अगर ऐसा अगर दोबारा हुआ तो हम नियमित रूप से हमें ऐसा करना पड़ेगा। विद्यार्थी कॉलेजों में आते हैं हनुमानगढ़ पढ़ने के लिए, कॉलेजों स्कूलों में उन्होंने जैसे कि बस संचालकों के साथ पहले जो बात हुई थी उसमें 5 रुपया किराया तय किया गया था प्रति स्टूडेंट, अब यहाँ के जो बस संचालक हैं उन्होंने अपनी मनमानी के चलते उनसे अवैध किराया वसूलना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने कल यहाँ पे विद्यार्थियों को सड़क पे उतार दिया था, जिसमें लड़कियाँ और लड़के दोनों थे जो बहुत परेशान हुए रास्ते में। अब हमारी मांग है कि जो पहले तय किया गया है किराया उसी किराए पे दोबारा से छात्र नियमित रूप से आए और जाएं, इसमें बस संचालक जो हैं वो अपनी मनमानी ना करें और अगर ऐसा करते हैं तो हम सभी बस संचालकों की जो बस सर्विस है वो ठप करने का काम करें। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने कहा कि किराए को लेकर दोनों पक्ष में विवाद है, बस संचालक को बुलाया है, वार्ता के माध्यम से समझौता करवा रहे हैं। एनएमपीजी कॉलेज के छात्र हैं, इनका कोई प्राइवेट बस संघिया रूट पर चलती है, इस किराए को लेकर विवाद है, दोनों पक्षों की वार्ता करवा रहे हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम, जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इम्पोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी, वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। स्वर्गीय भंवर सिंह राजपूत टीकू फुटबॉल कप भादरा द्वारा आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अखिल भारतीय फुटबॉल कप में नाइजीरिया क्लब दिल्ली ने एक बार फिर जीत का परचम फहराया।
कड़े मुकाबले के बीच नाइजीरिया क्लब दिल्ली ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा की टीम को हराया। स्वर्गीय भंवर सिंह राजपूत टिंकू फुटबॉल कप द्वारा आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अखिल भारतीय फुटबॉल कप कड़े मुकाबले में नाइजीरिया क्लब दिल्ली ने जीत लिया है। नाइजीरिया क्लब लगातार दूसरी वर्ष विजेता रहा है। नाइजीरिया क्लब ने सोमवार को फाइनल में कड़े मुकाबले में पेनल्टी शूट में डेरा सच्चा सौदा सिरसा की टीम को 1-0 से हराकर कप पर कब्जा कर लिया। तीसरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फुटबॉल प्रतियोगिता 26 जनवरी को प्रारंभ हुई थी। इस प्रतियोगिता में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात की कुल 24 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में डेरा सच्चा सौदा की टीम व नाइजीरिया की टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी तो 7.5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया, जिसमें भी फैसला नहीं होने पर पेनल्टी शूट में नाइजीरिया क्लब का 1 गोल से विजयी रही। विजेता टीम को मुख्य अतिथि सुखदेव सिंह शेखावत ने 51,000 रुपए नगद व ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम डेरा सच्चा सौदा की टीम को 31,000 नगद तथा नाइजीरिया की खिलाड़ी डेनियल को मैन बेस्ट प्लेयर का इनाम 11,000 रुपए प्रदान किया गया। स्वर्गीय भंवर सिंह की पत्नी को 11,000 रुपए सहायता स्वरूप प्रदान किए गए। समापन समारोह के दौरान क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों व प्रतियोगिता में सहयोग प्रदान करने वाले कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में नाइजीरिया क्लब में नाइजीरिया देश के खिलाड़ी व यमुना नगर की टीम में अंग्रेज खिलाड़ी दर्शकों के आकर्षण रहे। For today's match, so we thank everybody. We thank Rajasthan people for what they are doing for us. We played the match successful, so no problem, no injury. We happy everybody. So we say the Lord bless you people and pay you back in what people do for us. So we thank for everybody. We thank everybody. We thank the officials. We thank everybody. We thank even the fans, even the referee, even the people around us. We say may good Lord bless everybody, each one of you, in Jesus. Akhil Bhartiye, Tisra, Baba Sahib Ambedkar Cup. का समापन हुआ है। इसमें 24 टीमों ने भाग लिया था और ज्यादातर टीमों ने पेनल्टी शूट आउट के जरिए उनका फैसला हुआ और बहुत ही शांतिपूर्वक मैच चले यहाँ और हजारों की तादाद में दर्शक इकट्ठे हुए। और भादरा का सौभाग्य है कि भादरा को ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन की सदस्यता मिल गई है टिकू क्लब को, और आगामी टूर्नामेंट है वो भी इससे बेहतर और बढ़िया होंगे। राज्य स्तरीय राजस्व खेलकूद प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की टीम विजेता रही। सिरोही जिले के आबू रोड कस्बे में आयोजित इस प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ से 35 सदस्य दल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। आबू रोड में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय राजस्व खेलकूद प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की टीम ने जनरल चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब हासिल किया। हनुमानगढ़ से गए 35 सदस्य दल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल व बैडमिंटन डबल में टीम प्रथम स्थान पर रही। वहीं कबड्डी, रस्साकसी व बैडमिंटन सिंगल में टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विजेता ट्रॉफी के साथ मंगलवार को खिलाड़ियों का दल हनुमानगढ़ पहुंचा। यहां पहुंचने पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। सभी विजेता खिलाड़ी खुली जीप में बैठकर शहर भर में विजय जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ जिला प्रशासन के अधिकारियों व साथी कर्मचारियों ने विजेता खिलाड़ियों का फूलमालाओं से स्वागत किया व मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। सोलहवीं राज्य स्तरीय राजस्व विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता जो आबू रोड जिला सिरोही में संपन्न हुई, उसमें हनुमानगढ़ जिला जनरल चैंपियनशिप विनर रहा। हनुमानगढ़ जिले ने वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन डबल्स में प्रथम स्थान हासिल किया। कबड्डी, रस्साकसी और बैडमिंटन सिंगल्स में सेकंड हम अंकों के आधार पर जनरल चैंपियनशिप के विनर रहे हैं। गत 15वीं राज्य स्तरीय राज्य विभाग खेलकूद प्रतियोगिता गंगानगर में भी हम जनरल चैंपियनशिप विनर थे। ये दूसरा मौका है जब हमने जनरल चैंपियनशिप जीती है। 16 टूर्नामेंट टोटल स्टेट के हुए हैं। जंक्शन स्थित मालवा पब्लिक स्कूल में मंगलवार को प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बच्चों ने अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी का अवलोकन करने आए अतिथियों ने बच्चों के इस प्रयास की सराहना की। मालवा पब्लिक स्कूल में मंगलवार को प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बच्चों ने अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया। बिना उपयोगी वस्तुओं से बच्चों ने कई कलाकृतियां व मॉडल तैयार किए थे,
जिनका आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन करने आए अतिथियों ने बच्चों के इस प्रयास की सराहना की। बच्चों की वेस्ट मटेरियल पे एग्जीबिशन हुई और जिसके अंदर बच्चों ने अपने वेस्ट मटेरियल पे अलग अलग के आइटम्स बनाई और हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट ने फुल कोऑपरेट किया है। मैनेजमेंट ने हमारे आज गेस्ट मिस्टर श्रीराम सर एंड अदर स्टाफ मेंबर्स इनकमिंग आवर स्कूल। सतीपुरा से टाउन के भाटमाता चौक तक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य की गति अत्यधिक धीमी होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी दिक्कत आ रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सतीपुरा से टाउन के भाटमाता चौक तक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसके तहत भगत सिंह चौक से आगे संग्रिया रोड पर निर्माण कार्य की गति अत्यधिक धीमी होने से आसपास के दुकानदार काफी परेशान हैं। निर्माण कार्य के दौरान आवागमन के लिए सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है, लेकिन इस सड़क से गुजरने वाले वाहनों की संख्या काफी अधिक है, जिससे आए दिन यहाँ कोई न कोई हादसा घटित होता रहता है। ये सड़क उखाड़ के इन्होंने रख दी है और सड़क है छोटी ये, जिसकी वजह से डेली यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, व्हीकल गिर रहे हैं सड़कों से नीचे और दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है। काम धंधे के सारे काम धंधे ठप पड़े हैं जी। इन्होंने साइड से 10-12 फुट उखड़ी पड़ी है और इसको रिपेयर नहीं कर रहे ये। किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है? दुर्घटना है जी, परसों यहाँ पर टेम्पो गिरा जी, उसमें सवारियाँ थी जी 3, मोटरसाइकिल का और कार का एक्सीडेंट हुआ जी। संग्रिया रोड पे दुकानदार है, हमारा काम बिल्कुल ठप हो रहा है, इन्होंने ये दरड़े पट के छोड़ दिए है, वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 15 दिनों से परेशान है हम, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुरा हाल है यहाँ पर। पार्षद उमा शंकर ने बताया कि लोगों से समस्या को देखते हुए कई बार PWD विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के लिए कहा गया है, लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी के चलते समस्या जस की तस बनी हुई है। PWD द्वारा भगत सिंह चौक से लेकर फोर लाइन का कार्य चालू किया जा रहा है। पहले फेस में CC रोड वहाँ तक बना दी, उस पर इन्होंने जो साइड किलर ने की रेता दुनिया जात का पड़ा, दुकानदार परेशान, आए दिन हम लोगों को टोकते, फिर भी इन्होंने किया। अब दूसरा इन्होंने आगे के लिए साइडों को खोद रखा है, उस पर इन्होंने पत्थर घेर दिया। एक साइड में क्लियर होना चाहिए, सारे दुकानदार परेशान है। और वार्ड के अंदर जाने के लिए, चकज्वाला जाने के 5 रास्ते, इन्होंने 5 रास्ते ब्लॉक कर दिए। परसों इनसे बात हुई, इन्होंने कहा रास्ता क्लियर करके जाए, नहीं गए। फिर कल 4 बजे 3 फुट का रास्ता तैयार किया डॉक्टर महेंद्र सिंह से लेकर मोड़ तक और ये मेगा आयु, सारी सड़क पर अब तक 3 दिन के अंदर 4-5 दुर्घटनाएं होगी। अभी मौके पर ट्राली फंसी खड़ी है, टेम्पो एक्सीडेंट हो गया। तो यानी ठेकेदारों को प्रशासन बाउंड करे कि पहले बैरिकेड नहीं लगाए, दूसरे काम जिस साइड को ये चालू करते उसको क्लियर करके आगे बढ़े, दूसरे ने यहाँ छोड़ दिया कि आगे ऑयल पंप के आगे चालू कर रहे हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। श्री शिव मंदिर और रुमश धर्मशाला में खाटू श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। बुधवार रात्रि विशाल जागरण का आयोजन होगा। श्री शिव मंदिर और रुमश धर्मशाला टाउन में खाटू श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर श्याम भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। श्याम जी के भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। इसके बाद लंगर लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। बुधवार रात्रि विशाल जागरण का आयोजन होगा। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई।
विद्या की मां सरस्वती का जन्म दिवस श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में कई जगहों पर विधि विधान के साथ सरस्वती पूजा की गई। टाउन व जंक्शन में सरस्वती पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। विद्या सेंट्रल अकेडमी में भी बसंत पंचमी पर कई कार्यक्रम हुए। जंक्शन में आईटी कॉलोनी में सरस्वती पूजा महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। विद्या विज्ञान की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीएम बीएल मेहरडा थे। एडीएम मेहरडा व समिति सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना कर मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर एडीएम बीएल मेहरडा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा जन सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में रात्रि जागरण के बाद बुधवार को मूर्ति विसर्जन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। बसंत पंचमी है, आज अपने सरस्वती जी जो ज्ञान की देवी है उनका मूर्ति का अनावरण हुआ है। और आदमी में पढ़ाई करे ज्ञान हो तो आगे बढ़ता है, इसलिए सरस्वती जी जो ज्ञान की देवी है उसकी हम पूजा करते हैं। और हमारे शास्त्रों में सरस्वती जी का काफ़ी ऊंचा स्थान है। जैसा अपन देख रहे हैं दुनिया के अंदर लक्ष्मी जी की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन यदि ज्ञान नहीं है आदमी में तो पैसा है वो भी ऐसे ही चला जाता है, इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन यदि अपने में ज्ञान नहीं है तो पैसा चला जाता है। और दुर्गा जी जो है वो हमारे शक्ति की देवी है, उनकी भी हम पूजा करते हैं, लेकिन सबसे उच्च स्थान जो है वो सरस्वती जी का है। टाउन में मिथिला सेवा समिति की ओर से सरस्वती पूजन किया गया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर परिवार व इलाके की सुख समृद्धि की कामना की गई। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती माता का जन्मदिन है, पूरे देश के अंदर सरस्वती की पूजा की जा रही है, क्योंकि मां सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। हम सब लोग विद्या के लिए माता से कामना कर रहे हैं कि माँ हमें सफल करे, अच्छी वाणी दे, समाज में एकता रहे। जंक्शन के गांधीनगर स्थित विद्या सेंट्रल अकेडमी में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के बीच रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बच्चों द्वारा मां सरस्वती की आराधना से संबंधित गीत व भजन प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना कर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया। बसंत पंचमी पर येलो डे का आयोजन किया गया, जिसमें 6th to 8th रंगोली कंपटीशन फाइट किया गया। रंगोली में 8th क्लास ने पिकॉक को बनाया, जो कि बा सरस्वती का वाहन है, और 7th क्लास ने बनाया माँ भगवान विष्णु का अवतार, और 6th क्लास में एक भारतीय नारी को निरूपित किया गया। मैं बसंत पर जो कि ऋतुराज कहा जाता है, आगमन करती है सब ऋतुओं का, पतझड़ का पतन करने के बाद जो ऋतु है वो बसंत ऋतु है। मैं चाहता हूं कि माँ सरस्वती का बसंत पंचमी पर विद्यालय और विद्यालय परिवार पर मेरे बच्चों पर आशीर्वाद बना रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।